भारत की संसद में पीओ को लेकर एक तरफ वह भारत का ही हिस्सा था है और आगे भी हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पीओके में बहुत जल्द कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से यह ऐलान कर दिया है कि पीओके भारत का था, भारत का है, भारत का रहेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पीओके पर बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान इस हालात में पहुंच चुका है कि वो भूखा नंगा और कंगाल हो चुका है, लेकिन बार बार पीओके की बात करता रहता है। इससे अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। भाइयों बहनों, दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था और एक देश ब्रिटिशों से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नंगों की तरह गली मोहल्लों में चपटा मारी, 1 किलो गेहूं के लिए चपटा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की दुर्गति है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो दुनिया के अंदर उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत के लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी गंदगी पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। और इसी बीच एक भारतीय विमान पाकिस्तान की सीमा में घुस गया है, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि ये विमान इंडिगो का विमान है और 1 महीने में दूसरी बार ये विमान पाकिस्तान की सीमा में घुसा है। हवाई सफर के दौरान दरअसल कई बार जहाज में खामियां आ जाती हैं, खराब मौसम के कारण लैंडिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से पीओके पर लगातार बयान आ रहे हैं और फिर पाकिस्तानी सीमा में भारतीय विमान घुस रहे हैं, उसके बाद तमाम तरीके की कयासबाजियां हो रही हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ये नया मामला आया है और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये घटना घटी है। इंडिगो का एक जहाज खराब मौसम के कारण पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में पहुंच गया, हालांकि इसके बाद जहाज को अमृतसर डाइवर्ट कर दिया गया। एयरलाइन ने इसके बाद पूरी जानकारी दी और बताया कि मौसम खराब होने के कारण ये विमान पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया था। वहीं पर आपको बता दें कि 1 महीने में ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक विमान पाकिस्तान की सीमा में चला गया था और उसके बाद फिर एयरलाइन ने बयान जारी करते हुए बताया था कि मौसम खराब होने के कारण वो विमान पाकिस्तान की सीमा में गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पीओके को लेकर लगातार बयान आ रहा है, उसके बाद से तमाम तरीके की कयासबाजियां हो रही हैं। फिलहाल सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे, और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी
कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है।